Place Time. लेस टाइम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं पहुंचा हूं जंतर मंतर। हमारे पीछे देख सकते हैं ये लोग ब्राह्मण महासभा से हैं और ये यहां मनु स्मृति पूजा कर रहे हैं और ये इनके बैनर में लिखा हुआ है कुछ अज्ञानी तत्वों द्वारा प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनु स्मृति जलाने के विरोध में यहाँ ये पूजन का आयोजन किया गया था। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोग मनु स्मृति को जलाने की कोशिश करते हैं या जलाते हैं तो क्या इसमें लिखा हुआ है। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे वो क्यों ऐसा करते हैं। जी कुलदीप भारद्वाज जी, क्या नाम है आपका? कुलदीप भारद्वाज। अच्छा जी, मैं कुलदीप भारद्वाज, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा। जी देखिए होता क्या है, हम बताते हैं। आज हमने जो है मनुस्मृति पूजन दिवस मनाया, उसका कारण क्या है कि 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में मनुस्मृति दहन किया गया था। उस समय क्या हालात थे, क्यों किया गया, उन पर हम अब ज़्यादा बात नहीं करना चाहेंगे। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि कुछ लोगों ने अपनी व्यक्तिगत प्रसिद्धि का उसको सुलभ मार्ग मान लिया, तो कुछ उद्दंडी तत्व समाज में वैमनस्यता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को भारत के अनेकों स्थानों पर मनुस्मृति का दहन करते हैं। रामलीला मैदान में उदित राज जी भी करते रहे, पिछले वर्ष तक यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के सामने कर गए। उनको नहीं मालूम कि मनुस्मृति के अंदर क्या लिखा हुआ है। कुछ लोग दुष्प्रचार करते हैं हमारे धार्मिक ग्रंथों के संदर्भ में, जबकि उसमें सबसे अधिक सख्त नियम ब्राह्मणों के लिए ही हैं। तो आज उसी के विरोध में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की ओर से मनुस्मृति पूजन दिवस मनाया जा रहा है और मनुस्मृति जी का पूजन किया गया। अच्छा, क्यों जलाते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, उनको क्या लगता है कि उनके हक की बात इसमें नहीं की गई है? देखिए सवाल हक का नहीं है, हक तो उसमें किसी का भी नहीं मारा गया, लेकिन कुछ लोगों ने कहते हैं मनुवादी सोच, जो आप सुने होंगे बहुत लोगों के मुंह से जी। क्या इस किताब में ऐसा क्या लिखा हुआ है? नहीं, मनुवादी सोच है क्या? मनु ने अगर कर्म के आधार पर बंटवारा किया तो मनु शब्द है क्या? उसमें नुकसान किसका किया गया है, प्रश्न तो ये ना, उनको किसी को नहीं मालूम, कभी अध्ययन किया ही नहीं। हम क्या करें, अध्ययन के अभाव में वो कहते हैं जी हमने मतलब दलितों के विरुद्ध उसमें कुछ अजीबोगरीब शब्द लिखे गए, जबकि सत्य यह है कि उसमें सबसे ज़्यादा सख्ती जो बरती गई है वो ब्राह्मणों के विरुद्ध बरती गई है। ब्राह्मण यदि कहीं अपने आचरण से भटकता है तो सबसे ज़्यादा दंड का भागीदार भी उसे ही मनाया गया है। लेकिन कुछ लोग राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, आजकल एक दौर हो गया ना कि व्यक्तिगत रूप से मेरा प्रचार प्रसार कैसे हो, मैं नेगेटिव चलूँ, उस नेगेटिव विचारधारा के साथ चंद लोग होते हैं, मुट्ठी भर लोग होते हैं, लेकिन वो आते मनुस्मृति जलाते हैं, क्यों, वाहवाही हो जाती है, पढ़ेंगे तो शायद लोग नहीं पहचानेंगे। तो आज उन्हीं के विरोध स्वरूप हमने एक छोटी सी ज्वाला प्रज्वलित की है, ये आगे आगे आज लौ प्रज्वलित की, आगे आगे ज्वाला बनकर फैलेगी। धन्यवाद। दलितों को ही ऐसा क्यों लगता है? देखिए उनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, सारे दलित तो नहीं करते, सारे दलित कर दें क्या, करोड़ों की आबादी है दलित में, मुश्किल से सैकड़ों की तादाद में लोग होते होंगे। मानते हैं जो दलित कर रहे हैं वो इसमें मनुस्मृति को पढ़े नहीं है? बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल अज्ञानतावश हुए सारे काम कर रहे हैं, उन्होंने पढ़ा ही नहीं कि किसके लिए क्या क्या कार्य क्षेत्र निश्चित किया और किसके लिए किस दंड का प्रावधान किया गया है। यदि वो उसका अध्ययन कर लेते तो शायद अगर उनकी तरीके से चलते तो हम लोग ज़्यादा प्रदर्शन कर रहे तो, लेकिन ऐसा नहीं है, वो कुछ अज्ञानी लोग हैं। और आजकल फिर वही बात आ गई, क्योंकि आजकल कहते ना जो दिखता है वो बिकता है, वो नेगेटिव पब्लिसिटी के माध्यम से अपने आप को प्रचलित करना चाहते हैं। देखिए इनका कहना है कि मनुस्मृति में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। हम और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? कमल शर्मा, मैं अध्यक्ष हूँ ब्राह्मण सभा रजौरी गार्डन का। क्या कहना चाहते हैं, आज जो मनुवादी सोच के बारे में कही जा रही है तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आज पूजन किया है, हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उन सब में सर्वे भवन्तु सुखिना का प्रचार किया गया है, तो हम समाज में किसी के भी जो है एक कीड़ा भी हो तो उसके भी जो है हम उसके विरोध में नहीं करते, हिंदुत्व का विचार है। तो मनुस्मृति में ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के विरोध में कुछ कहा गया हो। ये आपने पूरी पढ़ी है या आप भी सुने सुनाई? नहीं, अब मनुस्मृति पूरी पढ़ना है तो हमारे अभी जीवन में इतना नहीं आया, अभी हम उसको जितना पढ़ेंगे तो उसको और इतना गहरे रहस्य होते हैं कि उसको पढ़ते 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 भी जो है जीवन समाप्त होता है, लेकिन उसके जितने भी उसमें भाव लिखे हुए हैं, जिन शब्दों का अर्थ है, उसको समझने के लिए पूर्ण समय चाहिए। और हम अब सामाजिक जीवन के अंदर हमने बाकी दायित्वों का भी निर्वाह करना है,
इसलिए हम कुछ समय लगाकर इसको पढ़ते हैं, तो पढ़ने से हमें पता चल जाता है कि ये जो जितने भी हमारे ग्रंथ हैं ये इसको ठीक दिशा की तरफ हमें लेके जा रहे हैं। हमें जीवन कैसे जीना है, किस पक्ष ने कैसे जीना है, वैसा जीवन पद्धति सिखाई। सुना हुआ बोल रहे हैं, ये पढ़ा है, ये पढ़ा हुआ और सुना। हम पढ़ने जब हम मंदिरों में बैठते हैं, जब पंडित जी पढ़ते हैं तो हम सुनते हैं। दलित जो बोल रहे हैं कि मनुवादी सोच, तो आप भी नहीं पढ़े, वो भी नहीं पढ़े। आप जब कक्षा में जाते हैं वहाँ पे जब टीचर पढ़ाता है तो आप पढ़ते हैं या पहले उसकी सुनते हैं? पहले आप सुनते हैं फिर समझते हैं, यही स्थिति हमारी है। हम मंदिर हमारे गुरुद्वारे जितने भी बने हैं वहाँ बैठते हैं, वहाँ पे जब हमारे विद्वान हमें पढ़ाते हैं तो हम उसको समझते हैं। हम अपने आप तो नहीं पुस्तक खोल लेते, कोई ना कोई गुरु तो चाहिए होता है, तो वही गुरु के लिए हम वहाँ जाते हैं, हम वहाँ पढ़ते हैं। अब पढ़ने के बाद समझते हैं, वही समझ हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं हम आपको। देखिए और लोग हैं, हम इनसे भी जाने की कोशिश करेंगे। जी क्या नाम है आपका? जय परशुराम, सचिन वशिष्ठ नाम है मेरा। आप क्या कहेंगे, जो मनुवादी सोच चल रहा है, आप बोलते हैं कि मनुवादी सोच नहीं है, मनु स्मृति अच्छी किताब है, उसमें कुछ ऐसा दलित के बारे में नहीं लिखा हुआ, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मनु स्मृति जो है, काफ़ी लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है कि मनु स्मृति है क्या। स्मृति माने क्या है, जो मन से जो चीज़ लिखी जाए वो स्मृति कहलाती है, प्रथम बात। और जो मनु महाराज हैं, ये मनु महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। इस सृष्टि की रचना हुई भगवान विष्णु के द्वारा, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मा जी के द्वारा नाना प्रकार के ऋषियों की उत्पत्ति हुई, नारद इत्यादि ऋषियों की। ब्रह्मा जी ने सोचा क्यों ना इस सृष्टि को, जो मैं अपनी मन से जो सृष्टि उत्पन्न कर रहा हूँ, आगे कोई इस सृष्टि को उत्पन्न करे, ऐसा कोई उत्पन्न करूँ। तो मनु महाराज ने ऐसा ही अपने मन में सोचा, ब्रह्मा जी ने सोचा, तो मनु जी की उत्पत्ति हुई, और मनु के बाद में उन्होंने शत्रुपा भाई, शत्रुपा जो हमारी माता हैं, उनकी उत्पत्ति करी। ये सृष्टि में हम सबके बाबा, वो बनी कोई भी जाति का हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, बनिया हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, वो सभी के हमारे जो दादा हैं वो मनु और शत्रुपा हैं, क्योंकि हम उत्पन्न जो हुए हैं मनु और शत्रुपा के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। मनु जी ने इस सृष्टि मनुवादी सोच के बारे में, हाँ वही मैं आपको बता रहा हूँ, कहते हैं दलित लोग कि ये मनुवादी सोच के हैं या हमारे भला नहीं चाहते, हाँ वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। मनु महाराज ने जब ये सृष्टि को उत्पन्न किया तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, इसे एक बोलते मनु स्मृति के नाम से, इसका ये लिखा। और मनु महाराज ने जब ये ग्रंथ लिखा तो मनु महाराज ने इस ग्रंथ में हर मनुष्य को उसके कर्मों के द्वारा उसको क्या करना चाहिए, ऐसे ब्राह्मण है अगर वो पूजा पाठ करता है और पूजा पाठ करने के बाद में अगर वो कुछ गलत कार्य करता है तो उसको दंड का बहुधारी है, ऐसे उन्होंने हर जीव के लिए लिखा है। आजकल क्या है, जो दलित लोग हैं उनको ये लग रहा है कि मनु स्मृति में हमारे खिलाफ लिखा गया, लेकिन बिल्कुल सत्य बात यह है कि ये सबसे ज़्यादा अगर लिखा गया है तो ब्राह्मणों के लिए हित में लिखा गया है, ब्राह्मणों के खिलाफ लिखा गया है कि अगर ब्राह्मण पूजा पाठ कर रहा है तो उसको ये कार्य नहीं करना चाहिए, अगर वो ये करता तो दंड के भागीदारी है, समझ लो। ब्राह्मण के लिए यहाँ तक लिखा गया कि ब्राह्मण को झूठ नहीं बोलना चाहिए, ब्राह्मणों को मतलब वेदों का मतलब ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। दूसरी बात मैं और एक चीज़ बताता हूँ, आज आप जानते होंगे कि जितने बार हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जितने बार हमारे जो वेद हैं, चार वेद हैं, मनुस्मृति है, छः शास्त्र हैं, इन सभीयों में छेड़छाड़ जो अंग्रेज लोग थे ना वो करके गए हैं, ये आप मानते हो? मैं मानता हूँ, क्योंकि आज हम जो वेदों को पढ़ते हैं, आप देखो चारों वेदों से जो रचना है, उन रचनाओं के द्वारा मनुष्य नाना प्रकार की खोज कर रहा है, ठीक है, लेकिन उन वेदों में भी अंग्रेजों ने नाना प्रकार की छेड़छाड़ी कर दी है, उसमें छेड़छाड़ कर दी है, उस चीज को हम लोग समझ नहीं पाए। मनु जी की जो मनुस्मृति है उसमें दो चार श्लोक ऐसे लिख दिए हैं जो कि मनु महाराज लिख ही नहीं सकते, एक आध दो पेज उनके बदल के नहीं है स्मृति के, और वो बदल दिए हैं, जो कि अब ये दलित लोग ये सोचते हैं कि ये मनुज महाराज ने लिखे हैं। अब मैं एक बताता हूँ, क्या कभी पिता अपने पुत्र के खिलाफ कोई चीज लिखेगा? अच्छा ये बताइए, क्या जो विरोध कर रहे हैं तो क्या वो सच में अज्ञानी है? नहीं, जो विरोध कर रहे हैं वास्तव में वो अज्ञानी है, बिल्कुल सत्य है। तो जैसे आपके राष्ट्रीय जो अभी बात करके गए, हमारे क्या नाम था, कुलदीप भारद्वाज जी ने कहा कि अंबेडकर जी भी ने विरोध किया है। नहीं, अंबेडकर जी ने विरोध नहीं किया है, अंबेडकर जी ने तो कभी मनु महाराज के बारे में गलत किया ही नहीं है। अच्छा। कुछ लोग जो हैं, जो मतलब जो शरारती तत्व हैं, उन्होंने किया है, जो पढ़ा लिखा इंसान है वो कभी विरोध कर ही नहीं सकता है। और जिसने भाई साहब आप सोच के चलो कि उसने पूरा आपका ये कोट लिख दिया हो, वो कभी मतलब विरोध कर सकता है? कभी नहीं कर सकते।
मैं तो आपको बता दूं, अम्बेडकर जी नहीं, आप देखो रहीमदास जी ने कभी करा? जानकारी के अभाव में ऐसा हो रहा है। हाँ, ऐसा सिर्फ सिर्फ पढ़ी नहीं है। आप सोचो ना भाई, रविदास जी महाराज ने कभी नहीं कहा कि मनुस्मृति गलत है। कभी कहा? क्यों नहीं कहा? क्योंकि मनुस्मृति वास्तव में सत्य है। देखिए और लोग हैं, इनका भी जाने, क्या नाम है आपका? वैद्य हरिमोहन शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये बताता हूँ कि मनुस्मृति में जी मनुष्य जाति के कर्मों के आधार पर जो वर्ण बांटे हैं वो आप अपने शरीर पे भी लागू कर सकते हैं। आपका शरीर है मनुष्य का। कैसे वर्ण बांटा, कैसे उसको जाति के रूप में ही बांटा गया है? उसने कर्म के आधार पर बांटा कि जो कर्म करता है, जैसे आपका शरीर है, आपके हाथ हैं, हाथ से आप वर्क करते हैं तो ये छत्री का काम हो गया जी। आपका पैर है वो आप क्योंकि जमीन पर चलते हैं उससे चलते हैं, वो शूद्रों का काम हो गया। आपका पेट है वो आपका वैश्य का काम करता है, उसे आप रोज खिलाते रहें फिर भी रोज अगले दिन मांगता है, वो वैश्य हो गया। और आपका जो मस्तिष्क है वो ब्राह्मण का है, इसलिए बताया गया कि वो ज्ञान का है, क्योंकि पहले ज्ञान जो है ब्राह्मण ही रखते थे। यदि कोई ज्ञानी है तो उसे ब्राह्मण ही बोलते हैं। अगर शुद्ध नहीं बने आज के दौर में हम उसे लागू करें तो वो बहुत अच्छा रहे हैं। बहुत अच्छा बात है। यदि कोई ज्ञानी होता है आज के समाज में, उसे ये कहते हैं भाई अच्छा ब्राह्मण बन रहा है, चाहे वो किसी भी जाति से पैदा हुआ है। आज के समय में यदि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा पढ़ लिख कर बहुत अच्छे ज्ञानी के शब्दों को इस्तेमाल कर रहा है तो उसे एक तो ब्राह्मण जो है पहले क्यों होते थे, पहले ब्राह्मण आज के दौर में दूसरे लोग भी पढ़ रहे हैं। हाँ, जब पढ़ रहे हैं तो उनको भी उसे उन्हें भी ज्ञानी ही कहेंगे, उन्हें ज्ञानी ही कहेंगे। मनु आप शहर के अंदर यदि कोई अलग अलग बांटा गया है मनुस्मृति में, उससे तो वो मनुस्मृति में इसलिए बांटा गया है कि क्योंकि सूत्र है तो नीचे समाज नहीं बटा हुआ है। आज आप किसी मनुस्मृति में और लोग हैं ये भी बोलना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रमोद सोती मेरा नाम है जी, जी, जी। क्या आज समाज नहीं बटा हुआ है? क्या आज हम अपने किसी जूते ठीक करने वाले के पास नहीं जाते हैं, धोबी के पास कपड़े प्रेस करवाने नहीं जाते हैं? जाते हैं ना। तो समाज तब भी बटा हुआ था, समाज आज भी बटा हुआ है। विरोध करना, अभी जैसा और लोग बता रहे हैं, विरोध करना जो है वो सिर्फ अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की बात है। मनुस्मृति में क्या है? मनुस्मृति में यही है ना कि आप अपनी जीवन को किस प्रकार जिएंगे, आप अपने घर की झाड़ू कहाँ रखेंगे, जूते कहाँ उतारेंगे। अगर जूते बाहर उतारना बुरा है क्या? ऐसा क्या लिखा हुआ है कहाँ? मनुस्मृति में, जिसके वजह से लोग विरोध करते हैं। विरोध सिर्फ इस बात का करते हैं, दलित शब्द उस वक्त नहीं था, दलित शब्द उस वक्त था ही नहीं, सिवाय सेवा। सेवा चार चरण थे, ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय और शूद्र। देखिए और लोग हैं, हम इनसे भी जाने की कोशिश करेंगे जी। क्या नाम है जी? उमाकांत शुक्ल मेरा नाम है, मैं चित्रकूट धाम सतना मध्य प्रदेश से हूँ। अच्छा, मैं ये आपको बतलाना चाहूँगा जो भी ये चैनल के द्वारा, कि मनुस्मृति नाम ही इसका क्या है? मनुष्य को स्मृति याद दिलाना कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मुझे कर्तव्य क्या है, मेरे कर्तव्य के प्रति मुझे वक्तव्य करना। मनु मानव, मनुष्य, मनुज, और यही इसका जो है नाना नामों से जाना जा सकता है मनुष्य को। तो मनुष्य को इसमें जो है 9500 पहले ईसा समय पर जो है वैदिक काल में जो है मनु शत्रुपा जो हुए थे उनको जो है उन्होंने लिखा हुआ था, जो अभी महाराज जो है बतलाया था जैसे, तो मनु शत्रुपा उन्होंने लिखा था कि मनुष्य को किस तरह से कर्तव्य करना चाहिए। यदि शूद्र कोई अपराध करता है तो 1% उसको जो है दंडित करें, यदि वैश्य अपराध करता है तो उसको जो 2% जो है बढ़ा करके दंडित करें, यदि क्षत्रिय अपराध करता है तो उससे 3% बढ़ा करके दंडित करें, यदि ब्राह्मण यदि अपराध करता है, गलत करता है, तो उसे 4% बढ़ा करके जो है उसे दंडित किया जाए। जैसा मनु में जो है स्मृति में लिखा है, मानव जाति को विभक्त करने के लिए नहीं, एकत्रित करने के लिए। बात यह है कि हमारा अधूरा ज्ञान, या मैंने किसी द्वारा सुना, या आपने सुना, या किसी और ने सुना, जो लोग ऐसे कर रहे हैं वो पूरा उसमें कहां पर लिखा हुआ है कि जो ब्राह्मण है वो मस्तिष्क है,
छतरी हाँ, ब्राह्मणो सम्मुख मासीत बाहु राजन्यः कृतः उरु तदे पदभ्यां गुंग शूद्रो द्रजायतो। ब्राह्मणो सम्मुख मासीत, मुख से सिर तक ब्राह्मण का वर्णन है। ब्राह्मणों सम्मुख मासित बाहु राजन्य, जो किसी की रक्षा करे वो भुजाएं हैं, वो क्षत्रिय का वर्णन। ब्राह्मणों सम्मुख बाहु राजन्य कृता उरु, यानी उदर पोषण का जो काम व्यवसाय का करना किसका है, वैश्य का। तो वैश्य है, एक मनुष्य की शरीर में चारों वर्ण हैं और चरणों का जो है नीचे का भाग शूद्रों के लिए गया कहा गया, ऐसा ये वर्णन है। ये प्रमाण से उनको गुस्सा तो नहीं आता, वो पढ़ लिख लिए हैं, अच्छे पोस्ट पर चले गए हैं। तो महाराज मैं जो है ब्राह्मण हो सकता हूँ, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूँ तो मैं पंडित हो सकता हूँ, ना कि मैं जो है ब्राह्मण नहीं हो सकता हूँ, पंडित हो सकता हूँ। राजा दशरथ जी को भी कहा गया था धर्म धुरंधर पंडित ज्ञानी, तुम धर्म धुरंधर हो, पंडित हो, ज्ञानी हो। वो ज्ञानी हो सकते हैं जो है धर्म का पालन करने, तो धर्म धुरंधर हो सकते हैं, पंडित हो सकते हैं, ना कि ब्राह्मण, जैसे मैं कुछ लोगों ने भी कहा था। अच्छा, आज आप लोगों ने ज्ञापन किसको दिया है और क्या क्या मांगी? सिर्फ कि मनुस्मृति को जलाया ना जाए, इसका पूजन किया जाए, वास्तविक इसका अध्ययन किया जाए, विषय में लागू किया जाए। मैं कह रहा हूँ विषय में लागू करके यदि आप देखेंगे कि कहे जो उसमें कमी है तो बतलाया जाए कि कहाँ पर कमी, कोई कमी नहीं है उसमें। स्त्री को भी कि जा रजस्वला अपवित्र अवस्था में है। विज्ञापन किसको दिया? आपको प्रधानमंत्री को जो है विज्ञापन दिया, उसमें से आपको भी दिखलाया हुआ था, तो उसमें यही कि मनुस्मृति को जलाना सर्वथा जो है स्वार्थवश या लोग जो है लोलुपता राज्य के वश में या हमें सत्ता के जो है लोलुपता में हम जला रहे हैं। दूसरा विषय यह है कि हम मनुस्मृति को पूर्ण अध्ययन किया जाए, फिर बाद में उसमें टिप्पणी की जा सके। टिप्पणी ऐसे नहीं कि बिना मैंने आपके द्वारा सुन लिया तो मैंने हा हू हाव करने लगा या मेरे द्वारा आपने सुन लिया तो शोर मचाने लगी, इसलिए यही मात्र उसमें मनुस्मृति जलाने वालों के लिए कार्रवाई की जाना चाहिए, सख्त कार्रवाई किया जाना चाहिए उनके साथ, और मनुस्मृति को विषय में लागू होना चाहिए। महाराज यदि उसको विषय में लागू हो जाएगा, सब्जेक्ट में लागू होगा, तो अध्ययन करेंगे, अध्ययन करेंगे तो वास्तविकता ज्ञान को हमें पता होगा कि वास्तविकता है क्या है। वास्तव में कि कोई निजी स्वार्थ नहीं है। मनुस्मृति में पहले लोगों के उनके कानों में शीशा जो है पिघला करके डाल दो, जो मनुस्मृति श्रवण करे सुने। महाराज श्रवण करना क्या बुरा है, वास्तविकता है उसके उचित जो उसमें चरित्रों का वर्णन किया है, चार वर्णों को जो है नारी के बात में जो है मनुष्य जो है महाराज के बारे में बतलाया है, और 14 मनु हुए हैं, तो इंद्र वैवर्त मनु है, इन्होंने जो है 14 मनु है हमारे, इन्होंने जो है ये जो वर्णन किया है। मनु का मतलब क्या, बुरा क्या है? मनु आप शब्द समझे, मनु मीन्स मनुष्य, इंसान जो है मनुज मानव, तो मानव की स्मृति याद दिलाने के लिए कि हम क्या हैं, हमें अभी याद ही नहीं है। देखिए, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने आज जंतर मंतर पे पूजन किया है मनुस्मृति का, और इनका कहना है कि मनुस्मृति में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है जो दूसरे के भावनाओं को ठेस पहुंचाए, और इनका मांग है, इन्होंने ज्ञापन दिया है प्रधानमंत्री के नाम कि अगर मनुस्मृति को कोई जलाने की कोशिश की जा करे तो उस पर कठोर कार्रवाई करे। अगर ये न्यूज़ हमारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पर दिए माइक के बटन को क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।